Assalamu alaikum, welcome to our YouTube channel of Courses and District. Today we are going to start the same topic, trigonometric ratios with respect to some angles. So आज हम बात करेंगे जो trigonometric ratios है with respect to some angles. इससे हमने पढ़ी थी ratios के बारे में, इनके reciprocals के बारे में, और हमने कुछ questions किए थी, right? तो आज हम बात करेंगे अगर हमें कोई trigonometric ratio निकालना होगा with respect to some specific angle, तो हम कैसे निकालेंगे. अब देखो, इस टॉपिक का मतलब ये है, मैं आपसे फिर से बोलूँगा, इस टॉपिक का मतलब ये है अगर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रेस्पेक्ट टू सम एंगल गिवन होगा या दिया हुआ होगा, तो आपको बोला जाएगा बताओ साइन 45, सपोज 45 या 30 या 60 कोई भी एंगल हो, तो आपको बोला जाएगा कि आप निकाल के दे दो हमें साइन 45, कॉस 45, टेन 45. तो हाउ यू कैन कैलकुलेट एट दैट पॉइंट, लेट अस स्टार्ट. देखो हम क्या करेंगे, सिंपली सपोज अगर आपको, सपोज मैं मान के चल रहा हूँ एट एंगल एट दिस पॉइंट ए, एट दिस एंगल ए, तो इस एंगल को मैं 45 मान के चल रहा हूँ. आई हैव टू फाइंड द हाउ द रेशियोज विल बी एट एट व्हेन द एंगल विल बी 45. हमें यही निकालना है कि रेशियोज क्या होंगे, इनका वैल्यू क्या होगा जब आपका एंगल होगा 45 डिग्री. ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे. मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं 45 यहाँ पे गिवन है तो ये 90 है, ये मेरा 90 है, क्योंकि जैसे राइट एंगल ट्रेंगल. अब वहाँ ये एंगल बच गया तो किसके बराबर होगा, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल 180. अब 90, 45, 135, प्लस 45 ऐड कर दो, मे बी 45 विल बी, है ना, 45 प्लस 45 प्लस 90, 180. इसका मतलब है कि ये भी 45 होगा. ठीक, अब देखो अगर दो एंगल्स सेम है, इनके जो एडजेसेंट साइड्स होंगे वो भी सेम होगा. इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यानी एंगल ए इस एंगल सी, यानी एंगल ए इज कॉल्ड एंगल सी, तो जो ये साइड एडजेसेंट साइड और ये इसका एडजेसेंट साइड, ये दोनों सेम होंगे, राइट. अब कैसे सेम होंगे, बिकॉज एंगल्स आर सेम. अब अगर ये सपोज मैं मान के चल रहा हूँ ये ए है, तो फिर ये भी ए होगा, लेकिन वी डोंट नो हाउ द ए सी, हाउ वी कैन कैलकुलेट ए सी, मतलब ये पता नहीं कि ए सी क्या है. तो हम निकालने के लिए तरीका है सेम वही पाइथागोरस थ्योरम. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा क्या, ए बी सी, देन बी सी विल बी ए. अगर ए बी यहाँ पे ए है तो बी सी विल बी ए, लेकिन वी हैव टू फाइंड ए सी. कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. अब देखो यहाँ पे एंगल थीटा नहीं है, सिंपली एंगल गिवन है आपको 45 डिग्री. कुछ स्पेसिफिक एंगल्स आपको वहीं से गिवन होंगी, चाहे वो 30 हो, 40 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, वी विल डिस्कस देम लेटर. यहाँ पे 45 की बात हो रही है, तो 45 आपको गिवन होगा. आपको बोला जाएगा साइन 45, कॉस 45, टेन, कॉट, है ना, सेक कोसेक, ये इनका निकालो विद रिस्पेक्ट 45. अब देखो क्या करेंगे, तो हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, है ना, अप्लाइंग अप्लाइंग पीजीटी. अब यहाँ पे देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. अब यहाँ पे मुझे पहले बताओ हाइपोटेन्यूज कैसे निकालूंगा मैं. यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैंने इस एंगल को मैंने 45 मान के चला था, सपोज दिस 45 डिग्री, बिकॉज मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 45 डिग्री के ही जरिए से मुझे निकालनी है सब रेशियोज. अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख जाऊँ 45, यहाँ पे रखो, यहाँ पे एक ही बात है. अब देखो अगर ये 45 डिग्री आपने असाइन किया यहाँ पे, तो इसका जो अपोजिट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, इसका जो एडजेसेंट होगा दैट विल बी बेस, एंड अब जो बच गया यहाँ पे दैट इज हाइपोटेन्यूज. अब परपेंडिकुलर भी आपको ए है, बेस भी आपको ए है, तो निकालना क्या है, ये हाइपोटेन्यूज. अब इसका मतलब कि ए सी विल बी हाइपोटेन्यूज होगा बराबर बेस स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर होगा बराबर बेस स्क्वायर. बेस क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर. अब देखो ए सी स्क्वायर होगा बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर दैट्स ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर दैट्स ए स्क्वायर, बिकॉज दोनों सेम है, ये साइड और ये साइड, बिकॉज दो बोथ आर सेम. तो अब देखो ए सी स्क्वायर होगा बराबर ट्वाइस ए स्क्वायर, ए सी होगा बराबर अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ए स्क्वायर. अब स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट होगा, तो आंसर निकलेगा अंडर रूट टू ए, यानी जो यहाँ पे आपको निकला अंडर रूट टू ए, यानी तीनों साइड आपको गिवन है. इसको मैं थोड़ा इरेज करूंगा, आपको तीनों साइड आप गिवन है. अब आपको निकालना क्या है, साइन 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री,
45 डिग्री और इनके रेसिप्रोकल्स, यू हैव टू फाइंड देम। अब आपको आसानी हो जाएगी। सिंपली याद रखना, मेरे पास एक राइट ट्रायंगल ट्रायंगल रखना है, और राइट एंगल ट्रायंगल रखना है जिसमें मुझे कोई भी किसी भी जगह 45 डिग्री को रख सकते हो, यहाँ पे रखो यहाँ पे, एक ही बात है ना, नॉट बदर अबाउट दैट। तो एक 90 होगा, 45 आपको गिवन होगा, तो दूसरा 45 खुद ही निकलेगा। उसके जरिए से आपको ये साइड और ये साइड सेम रहेगा। अब आपको ये साइड भी निकला, ये भी निकला, ये भी निकला। अब मुझे बता दो साइन 45 डिग्री किसके बराबर होगा? वो का बराबर यहाँ पे देखो, बेस जोड़ पर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? बेस है आपको ए, हाइपोटेन्यूज क्या आपको अंडर रूट 2 ए। ए एंड ए गेट्स कैंसिल आउट, तो आंसर निकला 1/√2। साइन 45 डिग्री निकला। अब देखो कॉस 45 डिग्री निकालो। कॉस 45 डिग्री वो किसके बराबर होता है? बेस जोड़ पर हाइपोटेन्यूज। कॉस होते बराबर बेस जोड़ पर हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? एक सेकंड, यहाँ पे मैंने साइन परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पे कॉस रखने बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या आपके ए, हाइपोटेन्यूज क्या आपका अंडर रूट 2 ए, अंडर रूट 2 ए। ए एंड ए सेम गेट्स कैंसिल आउट, आंसर निकल 1/√2। यानी जहाँ साइन 45 डिग्री होगा, इसका जो वैल्यू होगा कॉस का भी वही वैल्यू होगा। ये बात भी याद रखनी है, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू निकलेगा कॉस का भी वही वैल्यू निकलेगा, ये चीज़ याद रखनी है। अब देखो टैन का, टैन 45 डिग्री। अब टैन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका ए, बेस क्या है आपका ए, ए बाई ए दैट्स 1/1 दैट्स 1। यानी टैन 45 डिग्री आपका आंसर निकलेगा 1। अब यहाँ पे देखो तीनों की तीनों निकली, अब इनकी रेसिप्रोकल्स देखो। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कोसेक, कोसेक 45 डिग्री। अब ए क्यों मैंने लिखा? क्योंकि मुझे वही से क्यों ना इन इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एंगल निकाल दीजिए हमें। स्पेसिफिक एंगल मतलब कोई एंगल आपको गिवन होगा, स्पेसिफाई यू मतलब 45, 39, जो वही भी स्पेसिफाई आपको किया गया होगा। अब देखो कोसेक 45 डिग्री होगा 1/ साइन 45 डिग्री। अब देखो 1 डिवाइड बाई साइन 45 डिग्री किसके निकला आपको? 1/√2। तो आंसर क्या निकलेगा? 1/√2 सिंपली। अब सेम इन द केस, थोड़े इरेज करके रहे करेंगे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे करेंगे। देखो आप साइन का आपको अपोजिट था कोसेक, अगर साइन का 1/√2, कोसेक का 1/√2 सिंपली। अब यहाँ पे देखो, अब इसके बाद देखो यहाँ से, अब देखो सेक का देखो, सेक 45 डिग्री किसके बराबर होगा? सेक होता है बराबर 1/ कॉस, कॉस 45 डिग्री। 1/ कॉस 45 डिग्री किसके बराबर निकला? 1/√2। यानी ये भी आपको 1/√2 के बराबर निकला। सेम जिस टैन निकालो, टैन का क्या है अपोजिट? कॉट, कॉट 45 डिग्री निकालो। 1/ टैन 45 डिग्री, तो 1/ टैन 45 डिग्री, टैन 45 डिग्री किसके बराबर अभी निकला आपको? वो आपको निकला 1, टेन 45 डिग्री निकला भी आपको 1 के बराबर है ना, तो 1/1 दैट्स 1। अब मुझे यहाँ पे एक बात समझ आ गया, साइन 45 डिग्री मुझे 1/√2 के बराबर निकला, इसका जो अपोजिट है कोसेक वो मुझे 1/√2 के बराबर निकला, कॉस 45 डिग्री मुझे 1/√2 के बराबर निकला, इसका जो अपोजिट है सेक वो भी 1/√2 के बराबर निकला, टेन 45 डिग्री मुझे वो 1 के बराबर निकला, इसका जो अपोजिट है कॉट वो मुझे 1 के बराबर निकला। अब देखो 6 तो आपने यही सी कवर अप कर दी, यानी 45 डिग्री पे ही आपने 6 को कवर अप कर दिया। अब देखो अब हम करेंगे 30 पे और 60 पे करेंगे।
इसको इरेज करेंगे। यानी अगर आपको साइन 45 डिग्री पता होगा तो कोसेक खुद निकलेगा। यानी मैं मान के जा रहा हूँ कि अगर आपको एक ही रेशो पता होगा तो बाकी सब के सब निकलेगी, बशर्ते कि आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है, बेस जोड़ बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है और परपेंडिकुलर जोड़ बाय बेस किसके बराबर है। या आपको पता चला तो बाकी आप करोगे, क्योंकि हमने इस पे बहुत सारा चर्चा किया है। वी हैड डन अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन दैट, सो वी शुड नॉट बादर इन ऑन दैट ना ऑन दैट पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखो 45 का हो गया है ना, कितनी इजीली से हमने इसको कंप्लीट करके दिया। अब कोई अगर आपको कभी कभार या क्वेश्चन में अगर आपको बोर्ड एग्जाम में या आ गया कि हमें प्रूव करके दे दो, तो इतना सारा लिखना वहाँ पे काफी है। अब यहाँ पे मत दिखाना कि वहाँ पे मत कर करके देखना कि हम पहले इसको और इसको सेम प्रूव करने में लग जाएंगे, मतलब 10-12 मिनट। तो सिंपली अगर आपको एक साइड 45 डिग्री है तो दूसरा 90 है, बाकी ये खुद 45 डिग्री निकलेगा। अगर आपको ये दोनों सेम है तो इनके ऑरिजिनल साइड सेम रख लो बस। अब इसको प्रूव करने में सीपीसीटी या कोई फार्म वार्म लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो आप हम 30 पे जाएंगे। अब देखो 30 मेरे पास एक आइसोसेल ट्रायंगल है, यानी अगर ये आइसोसेल ट्रायंगल उसको बोलती नहीं इक्विलेटरल ट्रायंगल रख लेती। मेरे पास यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों की तीनों साइड सेम है, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है और ये दोनों साइड इस साइड के बराबर है। यानी दिस साइड विल बी सेम एज दिस एंड दिस विल बी सेम एज दिस। अब यहाँ पे देखो अगर तीनों के तीनों साइड सेम है, इनके एंगल्स भी सेम होंगे, दैट इसका मतलब जो एंगल ये 60 है ये भी 60 होगा फिर, और ये भी फिर 60 होगा। अगर इसका हाफ 30 है ये भी 30 होगा फिर। अब यहाँ पे हमें ज्यादा प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है, मतलब हमें इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के बराबर बनाएंगे पहले फिर ऐसा करेंगे, नो नॉट बॉदर टू अबाउट दैट। सिंपली मैं बोलूंगा 30 डिग्री विद रेस्पेक्ट 30 डिग्री मुझे रेशियो निकाल के दे दो। अब देखो 30 डिग्री मैंने यहाँ पे रखा है ऊपर, इसका जो अपोजिट क्या होगा। अब मैं खाली ये ट्रायंगल लूंगा, सॉरी फॉर दिस रफ ड्राइंग, सॉरी। अब देखो मैंने खाली ये ट्रायंगल लिया, तो अब यहाँ पे देखो इसका जो अपोजिट होगा दिस वन, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब ये बेस बन जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। मैंने अभी बोला कि ये एक ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी अगर ये ए है ये भी ए है ये पूरा ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ए है। अब यहाँ पे देखो ये भी ए है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा फिर, ये हाफ हाफ ए, ए का हाफ कर दो यानी 1/2 ए, यानी ए बाई टू बी लिख सकती है। यानी आपको ये भी पता है ये भी पता है, बट दिस थिंग यू डोंट नो। निकालेंगे कैसे बाय यूजिंग सिंपली पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे देखो पीजीटी के जरिए से हम निकालेंगे, अब ये हाइपोटेन्यूज है ना, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ, मेरा पॉइंट यहाँ पे है याद रख लेना, मेरा ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है और ये बेस है। अब देखो ए बी स्क्वायर होगा बराबर, ए बी स्क्वायर होगा बराबर हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर, बेस है दिस वन ए डी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए बी पता है, हाँ ए स्क्वायर होगा बराबर, ए डी पता है डोंट नो, ए डी स्क्वायर प्लस ये बेस पता है हाँ नहीं परपेंडिकुलर पता है हाँ, यानी ए डिवाइड बाई टू का स्क्वायर, हाफ ही है ना ए का हाफ ही है इसलिए मैंने हाफ ही लिया। यानी अब देखो मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूँगा, क्या इसको यहाँ पे ले आऊँगा, यानी ए स्क्वायर माइनस ए डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर होगा बराबर ए डी स्क्वायर। यानी इसको मैंने अकेला रखा यहाँ पे, पूरे के पूरे उठा दिया यहाँ पे धकेल दिया, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई फोर टू जर फोर होगा बराबर ए डी स्क्वायर। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 4a² - a² डिवाइड बाई 4 यानी 3a² डिवाइड बाई 4 होगा बराबर ad² यानी ad होगा बराबर 3a² डिवाइड बाई 4 कर दो अंडर रूट, यानी अंडर रूट 3a/2, क्यों 4 का अंडर रूट क्या 2, यानी आपको ये आंसर भी निकला, यानी अंडर रूट 3a/2 आपको आंसर निकला।
अब ये तो आपको निकला, मुझे अब मुझे बताओ साइन। अब यहाँ पे देखना है साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा। अब इसको छोड़ दो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर ये है, नीचे देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी ए बाई टू, हाइपोटेन्यूज क्या है ए, ए एंड ए गैस कैंसिल आउट, आंसर निकला 1/2। अब निकालो कॉस 30 डिग्री बेस जोड़ बाय हाइपोटेन्यूज, यू वुड बी कंफ्यूज्ड। वो होगा बराबर आपको बेस क्या है आपकी, बेस है आपकी दिस यानी √3 ए डिवाइड बाई टू, हाइपोटेन्यूज के आपके ए, ए एंड ए गैस कैंसिल आउट, तो आपको आंसर निकला √3 डिवाइड बाई टू, सिंपल। अब निकालो टेन, टेन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, होगा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है आपका दिस ए बाई टू, ए बाई टू, बेस क्या है आपकी जिस √3 ए डिवाइड बाई टू, टू एंड टू गेट्स कैंसिल आउट, ए एंड ए गेट्स कैंसिल आउट, तो आंसर क्या निकला 1/√3। ठीक, तो आपकी आपको तीनों की तीनों निकली। अब इनका रिसिप्रोकल खुद निकाल लेना, ठीक, रिसिप्रोकल कर लेना सिंपल, साइन का कॉस उल्टा कर दो, जो आंसर निकले उसका उल्टा आ जाएगा। जैसे साइन 30 आपको निकला आपको 1/2, उससे क्या आ जाएगा 2 सिंपली, कॉस 30 आपको निकला 3/2, तो सेक क्या निकला 2/√3, टेन 30 निकला आपको 1/√3, तो क्वाड क्या निकला 3 एंड 3/1 दैट्स 3, तो 30 का भी निकला आपको। अब देखो उसके बाद हम करेंगे वी विल मूव टुवर्ड्स, अब 60, एक सेकंड एक सेकंड, अब 60 का करेंगे आप। अब देखो 60 को हम कैसे करेंगे, देखो अगर आपको प्रूव करना होगा तो इतना ही कर लेना, वहां पे सीपीसीटी था हम बीच में मत लाना, बिकॉज वो आपको टाइम खा, मतलब दैट विल कम कंज्यूम योर वो टाइम, क्योंकि जब आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो मार्क्स को कोई भी दे सकता है आपको, वहाँ आपको पेज भरने से कोई फायदा होगा ही नहीं, यू हैव टू बी सम रेलिवेंट, जो आपको पूछा जाता है वहाँ पे वही लिखा किया करो, क्योंकि ये आपके ट्रायंगल्स का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वेश्चन है, यानी जो रेशियोज की ट्रायंगल्स और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फर्क है। अगर वहां पे आपको बोला जाए कि प्रूव करके दे दो कि ये कांग्रेट है कि नहीं, ये दो कांग्रेट है कि नहीं, वहां पे आप लगा सकती हो, लेकिन हमें प्रूव थोड़ी करना है, हमें दिखाने के रेशियोज क्या है, रेशियोज के मतलब में हमें वैल्यू क्या निकालना है। अब वो तो आपने आरवी प्रूव करके दे दिया था पिछले चैप्टर में। अब यहाँ पे देखो 60 पे, अगर मैं 60 पे बैठा हूँ सिंपली, अब देखो इस 30 को भूल जाओ, ठीक, या आप इसको रख भी ले सकते हो इसको ऐसे ही। देखो अब ये सपोज मैं इस इतना ही ट्रायंगल लेता हूँ, अभी 90 बन गया, अभी 60 है, अभी फिर से 30, अब खुद 180 आ गया। अब इसका जो अपोजिट होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर, ये होगा बेस, अब ये होगा हाइपोटेन्यूज, सेम वही कहानी, ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल ये एंड ये दिस ऑल सेम सेम कहानी वही, तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये पता नहीं, अभी निकाला था आपने, लेकिन कैसे निकाले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उस वक्त ये क्या था बेस, अब ये परपेंडिकुलर है, अब देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होगा बराबर बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है ए स्क्वायर। अब मैं जल्दी बोल रहा हूँ वाई, बिकॉज आपको भी मैंने बता दिया कि तीनों की तीनों साइड सेम है ना। अब यहाँ बेस क्या है इस वक्त, इसकी बेस क्या है दिस वन, बेस इस वक्त ये है यानी ए डिवाइड बाई टू का होल स्क्वायर, अल्टीट्यूड पता है नहीं, अब ये निकालना है ए सी स्क्वायर। अब देखो अब इसको यहाँ पे ले आओ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 है बराबर ए सी स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर, क्यों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो फिर खुद ही निकलेगा, 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट 3 स्क्वायर डिवाइड बाई 4 बराबर ए सी स्क्वायर, यानी ए सी होगा बराबर √3 ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये अंडर रूट हर सबको है,
फ्रॉम न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, ऊपर से लेकर नीचे तक सबको है। तो देख लेना यहाँ पे क्या ए सी होगा बराबर अंडर रूट थ्री ए डिवाइड बाई टू, दिस इज योर आंसर, यानी अंडर रूट थ्री ए डिवाइड बाई टू आपको ये आंसर लिखना। अब यहाँ पे देखो तो आपने देखा ही, अब देखो साइंस देखो साइंस होगा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है आपका अंडर रूट थ्री ए डिवाइड बाई टू, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ए, एंड ए गैस कैंसिल आउट तो आंसर आपको मिलेगा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू। ठीक, अब देखो सेम कॉस कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होगा, वो होगा बराबर बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपकी आप इस वक्त ए डिवाइड बाई टू है ना, ए डिवाइड बाई टू हाइपोटेन्यूज के ए, दिस एंड दिस गैस कैंसिल आउट आंसर निकला आपको 1/2। ठीक, अब देखो टेन टेन 60 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या आपका अंडर रूट थ्री ए डिवाइड बाई टू, बेस क्या आपका ए डिवाइड बाई टू, टू टू गैस कैंसिल आउट ए एंड ए आल्सो गैस कैंसिल आउट तो आंसर क्या आपको निकला अंडर रूट थ्री। देखो तीनों की भी निकल, आप इनका खुद भी आप खुद ही इनका अर्थ को निकालो तो आपको आंसर क्या निकल आएगा वो आप देख लेना। अब उसके बाद है हमारा 0 एंड 90। ठीक, 0 एंड 90 को आप फिलहाल ऐसे ही रखो, तो इसमें कुछ ज़्यादा है ही, देखो इसमें करना क्या है। देखो अगर मैं बोलूँगा आप इस एंगल को मैं 0 रख लेता हूँ, 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री का मतलब ये नहीं कि मतलब कोई वैल्यू होगा, वैल्यू कुछ है ही नहीं, यानी जब ये इसको मैं नीचे नीचे लाऊंगा, एक सेकंड यार देखो क्या, अगर 45 डिग्री था इसका मतलब कि कुछ ना कुछ था बीच में, कुछ एंगल था। अब इस वक्त कोई एंगल है ही नहीं, 0 है इस वक्त, जो जो ये वाला साइड है ये नीचे नीचे आएगा आ जाएगा, यानी ये इसके साथ कोइंसाइड हो करेगा। इसका मतलब है कि जब ए बी अगर एक कुछ एंगल था सपोज थीटा, एंगल था थीटा, अब मैं इस थीटा को 0 मान के चल रहा हूँ, यानी मैं क्या करूँगा काम, इसको और छोटा करूँगा और छोटा करूँगा, मतलब 45, 30, 20, 10, अब करते करते मैं क्या किया अब 0 कर दिया, यानी जो ये हाइपोटेन्यूस है या कुछ भी कोई भी साइड था ये, इसको मैंने इसके साथ कोइंसाइड कर दिया, अब ये इसके साइड आ गई, यानी ये पूरा का पूरा डाउन हो गया। इसके चलते क्या हुआ, ये तो डाउन हो ही गया है, लेकिन जो ये वाला है ना यहाँ पे जो इमारत यहाँ पे खड़ी है ये गायब हो गई, यानी जब आप इस तरह पहले इस तरह था ये, अब नीचे लाओ इस तरह, जब इसको नीचे लाया ये भी काम हो गया यहाँ पे, अब ये इतना ही रह गया अब है ना, अब और काम लाया, और कम किया आपने, अब ये और कम हो गए नीचे, यानी इसका मतलब है कि जब ये नीचे नीचे हो रहा है ये भी कम हो रहा है, लेकिन इसका जो अपने जो इसका अपना वैल्यू है साइड वो कम नहीं हो रहा है, बेसिकली एंगल यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे जो थीटा है कम, तो एक वक्त आ जाएगा ये इसके साथ कोइंसाइड करेगा, और जो यहाँ पे एक खड़ी इमारत थी खड़ा साइड था ये कहीं दिखेगा ही नहीं, समझे मेरी बात। इसका मतलब आपको खाली दो ही साइड आपको दिखेंगे, एक ये साइड और इसके साथ मिल रहा है ये वाला साइड, यानी दो साइड अब सेम होगा, यानी ए बी अब होगा बराबर बीस, ए बी अब होगा बराबर ए सी का, यानी जो ए बी है ए बी दिस वन ये ए सी के बराबर होगा, क्योंकि बिकॉज ये कॉइन साइड इसी इसी पे आ रहा है। अब बी सी क्या होगा, बी सी विल बी 0। अब मुझे बताओ ए बी आपको पता है बी, सपोज ए बी है ए, ए है बराबर ए एस, अगर ए है फिर ये भी ए हो जाएगा क्योंकि इसके साथ नीचे आएगा, करते करते नीचे आएगा जब आप 0 ले लाओगे, और ये कहीं दिखेगा नहीं ये 0 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे साइन 0 निकालो, साइन 0 अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे परपेंडिकुलर डॉल का हाइपोटेन्यूज, अब परपेंडिकुलर तो यहाँ पे है ये कहीं दिखता है नहीं आपको, क्योंकि ये आपने पूरा का पूरा नीचे डाल ला इसको है ना, तो ये कहीं दिखेगा नहीं, इसका मतलब परपेंडिकुलर 0 है, हाइपोटेन्यूज क्या है हाइपोटेन्यूज ए है ना, ये एनीथिंग जो 0 को कोई भी डिवाइड कर दो फिर भी 0 ही रहेगा,
अब देखो उसके बाद का जीरो निकालो, बेस जोड़ा हुआ है हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, बेस है आपकी ए, हाइपोटेन्यूज के वो भी है क्योंकि दोनों सेम आ गई, अब दोनों कोइंसाइड कर गई, दोनों एक ही जगह एक ही लाइन पे मर्ज कर गई, एक ही लाइन पे दोनों में मर्ज कर गई, यानी वो भी ए आ गए, यानी ए गैस कैंसिल, आपका आंसर निकला वन। अब टेन निकालो, टेन जीरो वो किसके बराबर, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका जीरो, बेस क्या है आपकी ए, तो आंसर निकला आपको जीरो। अब देखो अब क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन किसके बराबर होगा, है ना, वन डिवाइड बाई साइन, ये वन डिवाइड बाई जीरो, एनीथिंग डिवाइड बाई जीरो नॉट डिफाइंड, यानी किसी को डिवाइड जीरो, देखो आप हर चीज को वन से टू से थ्री से फोर से डिवाइड कर सकती हो जिसके भी वैल्यू से, लेकिन जब आपके पास कुछ है ही नहीं डिवाइड करने के लिए तो उसका क्या मतलब, वो कोई टर्म है क्या, मतलब आपके पास कुछ है ही नहीं तो आपने डिवाइड कर दिया उसी ना होने की वजह से, नल के साथ आपने किसी चीज को डिवाइड कर दिया, उसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, मतलब ये कोई टर्म है ही नहीं, यानी नॉट डिफाइनल, यानी ये कोई बात है ही नहीं जो बात मैं बोल रहा हूँ कि मैं टू को डिवाइड करूँगा जीरो से, अब ये क्या बात हुई, कुछ नहीं, ये डिफाइनल ये बात है ही नहीं कई जगह, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि नॉट डिफाइनल है, यानी आप किसी चीज़ को नथिंग से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब आप, मैं बोलूँगा कि हमारे पास 10 रुपए है तो मैं किसी के साथ डिवाइड नहीं करूँगा, अब ये क्या बात है, डिवाइड यू हैव टू डिवाइड समथिंग, डिवाइड तो करना है लेकिन डिवाइड करना होगा एक के साथ, दूस तीस के साथ, अगर आपको पहले से ही नहीं करना तो डिवाइड की बात नहीं छेड़नी थी आपको, राइट, इसका मतलब कि जीरो के साथ डिवाइड होगा, जीरो किसी को डिवाइड होगा ही नहीं, जीरो इज समथिंग विच इज विच ऑक्यूपाइज नथिंग, मतलब कमरे में कुछ है ही नहीं, इसका मतलब कि कमरा खाली है, अगर मैं बोलूंगा कि खाली कमरे को डिवाइड कर दो, व्हाट इज दिस, खाली कमरा पांच बन गई मैं मतलब बांट दू, देखो खाली कमरे में कुछ पहले से है ही नहीं तो बांटेंगे कैसे, इसका मतलब कि जीरो इज समथिंग विच इज एंड मतलब विच इज विच ऑक्यूपाइज नथिंग। अब वही मैं बोलूंगा कि पांच बंद को मतलब पांच चीजें हैं या पांच समथिंग है, इसको मैं किसी के साथ शेयर करूंगा ही नहीं, तो पहले सी बात ही ना डिफाइन नहीं करनी है, तो आप क्यों लिखा कि मैं किसी के शेयर करनी नहीं है, तो दिस थिंग विच इज विच इन विच इज जीरो इन विच इज नथिंग विल बी डिनोमिनेटर दैट दैट डिग्निफाइज दैट सिग्निफाइज, या कह सकते हैं कि वो वहां पे इम्प्लीमेंट कर देता है कि जो टर्म मैं बोल रहा हूँ वो डिफाइनड है ही नहीं, आपके मैथमेटिक्स में कभी दिखेगी नहीं, इसलिए जहां जहां जीरो डिवाइड होगा वहां नॉन डिफाइनड। अब देखो इसके बाद कुछ सेक देखो, वन बाई कॉस, वन कॉस के बराबर है वन, अभी देखिए वन वन बाई वन डेट वन, टेन का देखो, कॉट का देखो वन बाई टेन, अब टेन किसके बराबर निकला जीरो, फिर से वही बात नॉट डिफाइनड। अब देखो अब 90 का देखो, अब जीरो का क्या, आप लोगों ने अब 90 का देखो, अब देखो अब आपको ये एंगल 90 रखना है, इसका मतलब ये कि देखो अगर आपको मैंने इसको 90 रखा था दो, फिर इसका मतलब ये होगा कि दोनों में से ना ये 90 होगा ना ये 90, तीनों में से एक 90 को रखना होगा, तो रख लिया मैंने इसको 90, ठीक है ऑलरेडी वही क्यों था, अब आपको कहीं से बोला जाएगा अब यहाँ पे 90 रखो, अगर आप इसको 90 रखा नहीं इस तरह बन जाएगा फिर, यानी ये हाइपोटेन्यूज बना ही नहीं, फिर अगर ये 90 ये फिर भी परपेंडिकुलर, बाद में इस तरह बोल रहा हूँ कि इसको हटाओ यहाँ से, हटाया यहाँ से, हटाया हटाया यहाँ पे पॉइंट लाया, अभी इसके साथ 90 बन गया, अब आप लोगों ने इसको 90 बना दिया, ठीक मुझे बता दो अगर ये 90 बन गया तो क्या ये फिगर पॉसिबल है, नो दिस फिगर विल बी नॉट पॉसिबल, ठीक। अब तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो गई, अभी जीरो को नीचे लाना था, अब इसको 90 बनाना है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो होगा कि यहाँ पे अगर ये 90 बन जाएगा, अगर ये 90 बन जाएगा तो ये शेप इस तरह बन जाएगी, फिर दैट इज नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, व्हाट एक्चुअली वी कैन डू हियर,
थिंग्स विल बी लाइक दिस, जो यहाँ पे जो ये वाला साइड है, अब इसको हटाना है। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी आपसे ये बात बोल रहा था, जो ये 90 है, अब इस साइड को मुझे हटाना है, इसको मुझे 90 बनाना है, यानी इसको मुझे पूरा यहाँ पे हटाना है, यहाँ पे लाना है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो ये साइड है अभी जीरो बन रहा है, क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं, समझे मेरे बात। यानी ये हाइपोटेन्यूज आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप इसको ऊपर ले आओगे, 90 बनाओगे, दिस साइड विल बी, यानी ये जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो के बराबर मतलब आप ये फिगर बन जाएगी नहीं। अब ये तो सेम रहेगा, ठीक, ये भी सेम रहेगा, लेकिन ये जीरो बन जाएगा उस वक्त। अब मुझे बता दो, हाइपोटेन्यूज आपका जीरो आ गया, परपेंडिकुलर आपको ए है, बेस भी आपकी ए, सपोज। अब साइन 90 किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका? ए। हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? जीरो। ठीक, एक सेकंड। देखो हम क्या, व्हाट एक्चुअली कैन डू हियर, यहाँ पे हम करेंगे, अगर मैंने इसको 90 बनाया तो ये साइड यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक, लेकिन इस साइड को मैं यहाँ से, ये दिखेगा ही नहीं, दिस वन विल नॉट, है ना, ये फिर वैनिश करेगा। अगर इस साइड को यहाँ पे आपने लाया तो ये साइड रहेगा, लेकिन ये साइड कहीं दिखेगा ही नहीं, दैट मीन्स दिस साइड विल बी नो वैनिश, राइट। तो साइन परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या रहेगा आपको? ए। हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा आपको? ए। साइन ए बाई ए दैट्स वन। अब कॉस 90 दिख, बेस जोड़ बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आपको कहीं दिखेगा ही नहीं, दैट इज जीरो। हाइपोटेन्यूज क्या आपको? ए। कॉस 90 इज जीरो, ठीक। अब इस तरह टेन निकालो, टेन 90 परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या आपका? ए। बेस इज जीरो, है ना, एनीथिंग टू बी जीरो दैट्स नॉट डिफाइनल। अब सेम इन केस, आप तीनों के तीनों कर दो वापस, लेकिन याद रखना अगर जहाँ जीरो होगा वहाँ पे नॉट डिफाइनल लिखे, सिंपली। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो आज के इतना काफ़ी है, बाकी जो क्वेश्चंस रहेंगे, अभी लेट हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने चार्ट बना के रखा था, साइन जीरो पे हमने अभी जीरो देखा, वन पे, ये सब चीज़ें हमने देखी, ये आप खुद देखोगे इनको। अब रहा क्वेश्चन से, मैं बाद में करके दूंगा ये सब चीज़ें। तो आई थिंक टुडे के, आज दिस इज एनफ फॉर टुडे, राइट। तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। थोड़ा तबीयत नासाज होने की वजह से आई कैन नॉट इंटरेक्टिव विद यू पीपल प्रॉपरली। बाकी जो आपकी कैरियर्स है और उनको हम लेते हैं। थैंक यू सो मच।